क्या हाल चाल है जी? मैं मोहम्मद अहमद नजीर, और एक दिन पहले हम लोग वीडियो बना रहे हैं। और इस वीडियो के बनाने का मकसद क्या है, जैसे कि आपको टाइटल में नजर आ रहा है कि कल हमारा सेशन है पीजीसी के बारे में, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन एजुकेशन। आप यूके में अपना टीचिंग करियर अच्छे वे में कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्या उसका राइट वे है, कैसे आपको QTS मिलता है, उसके कुछ स्टेप्स होंगे कि सबसे पहले कि QTS या PGC में डिफरेंस क्या है, ये क्या होते हैं, ये क्यों जरूरी है, और अगर आप ये करना चाहते हैं तो कैसे अप्लाई इसके लिए करना होगा। जब आप अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करते हुए पर्सनल स्टेटमेंट कैसे लिखी जाती है, कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, बर्सरीज किन लोगों को मिलती है, किन को नहीं मिलती, इंटरनेशनल रिलोकेशन पेमेंट अब मिल रही है या नहीं मिल रही, मिल रही है तो किन को मिल रही है, नहीं मिल रही तो क्यों नहीं मिल रही, उसके बाद आपने अप्लाई करना है तो किन यूनिवर्सिटीज में और क्यों वहां पे अप्लाई करना चाहिए, और जब आप अप्लाई कर देते हैं आपका इंटरव्यू आता है तो इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाती है, और इंटरव्यू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कॉमन क्वेश्चंस इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं उनके क्या अच्छे पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे इंटरव्यू के बाद अगर आप कामयाब होते हैं यूनिवर्सिटी में और उनकी ऑफर को एक्सेप्ट करने के बाद जो कंडीशनल और ऑफर आती है उसकी कंडीशंस को टाइमली मीटअप करना इंपॉर्टेंट होता है, उस टाइमलाइन को आप कैसे फॉलो कर सकते हैं, उसके बाद आपने वीजा के लिए कैसे फाइल करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्या कंडीशंस होती हैं, और यहाँ पे जब आप लैंड करते हैं तशरीफ ले आते हैं तो आपको अकोमोडेशन में कैसे हेल्प मिल सकती है, ये सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर आप भी इस सेशन को कल जो होने जा रहा है ज्वाइन करना चाह रहे हैं, यूके के टाइम के मुताबिक 12 से 1 के दौरान हमारा ये सेशन होगा, और पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक क्योंकि 4 आवर्स का डिफरेंस है तो 4 to 5 PM में ये सेशन होगा। तो अपना बहुत सारा सा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, और डिस्क्रिप्शन पे गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर लें और बता दें कि आप सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, तो सेशन ज्वाइन करने की जो फर्दर डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर होंगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।